Bismillahir Rahmanir Rahim. Now we are going to discuss the MTH 101, lecture number 23. Topic name hai maximum and minimum value of function. To is topic mein hum jo hai is maximum aur minimum ke bare mein kafi sari jo hai wo details se cheezon ko dekhenge. तो इसमें सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कुछ तज़करा करते हैं इसके कुछ थ्योरम्स का, ताकि आप जो है इसको कुछ डीपली समझ सकें. तो आपको ये डेफिनेशन जो है 4.6.1 जो है वो नज़र आ रही होगी. तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें डेफिनेशन में जो है वो मैक्सिमम की डिफाइन को किस तरह से वो जो है डिफ़ाइन कर रहे हैं जी. तो लिखा है कि f if f of x not greater than f of x for all x in the domain of f. तो सबसे पहले आपको समझना है इसके तमाम तर अल्फाज को कि f of x not क्या है और f of x क्या है. f of x से मुराद आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप ग्राफ बना सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में जान पहचान हो सके, ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होता है, देखें एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास उस एक पॉइंट को कहते हैं जिस पर बताया जाता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो आपने ये 22 लेक्चर में भी देखा होगा, तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं ज़रा आपको इस एक्स नॉट के बारे में बता देता हूँ कि एक्स नॉट को आपने कहाँ से देखना है, ये एक्स नॉट होता क्या है. तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये सामने तीन डायग्राम नज़र आ रही हैं. तो इस तीनों डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट जो है, जैसा कि ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, फिर एक यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आ रहा है और फिर आपको एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है. ये पॉइंट आपके पास एक्स नॉट है, यहाँ से बताया जाता है कि कुछ चीज़ मैक्सिमम है या मिनिमम है. अब देखें अगर मैं यहाँ से डिस्कस करूँ तो ये जो एक्स नॉट है यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, और बाकी हर चीज़ जो है फंक्शन का बाकी जितना भी ग्राफ है ना वो सारे का सारा क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है. और इस पॉइंट पे अगर हम देखा जाए तो इस पॉइंट पर फंक्शन का ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये सबसे नीचे है और बाकी सारे का सारा फंक्शन जो है वो ऊपर बन रहा है, ठीक है. इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट में जो है नेदर मैक्सिमम और नेदर मिनिमम का जो है वो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको. तो एक्स नॉट के बारे में, एक्स नॉट को जहन में रखते हुए हमने स्टेटमेंट को बोलना है, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से मैक्सिमम और किस तरह से मिनिमम जो है वो हम किसी भी टॉपिक को यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है. तो हम अपने थ्योरम पर आ जाते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट कहता है इफ़ एफ एक्स नॉट जो है ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर वो पॉइंट ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स के बाकी तमाम तार जो हैं, जो आपके पास मैंने अभी आपको दिखाए थे कि जिसमें मैंने कहा था कि अगर इस तरह से कोई भी एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपके पास तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो लेस है बाकी सारे फंक्शन से. ग्रेटर के लिए कैसे होता है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन हो कि ये आपका जो एक्स नॉट है इस पॉइंट वाला वो ग्रेटर है बाकी तमाम तर फंक्शन से, और इसमें वो क्या है मिनिमम है, इसमें क्या है मैक्सिमम है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास ग्रेटर हो एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स जितने भी हम डोमेन दें फंक्शन में. डोमेन का मतलब होता है कि जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैं आपके पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है वह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी के 2x+6 है, ठीक है. तो आप x की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, आपको आंसर आते जाएंगे. जो आप पुट कर रहे हैं ना 1, 2, 3 ये आपकी डोमेन है, जो आंसर आते जाएंगे वो आपकी रेंज है. डोमेन और रेंज से मिलके ग्राफ बनता होता है, ठीक है. तो फॉर ऑल x डोमेन जो है उसने फंक्शन में अगर दें तो देन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम. कब, जब एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या है ग्रेटर है, तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है. तो इसके अलावा हमारे पास सेकंड डेफिनेशन जो है बिल्कुल मिनिमम की आ जाएगी. इसमें क्या है कि अगर इफ़ एफ एक्स नॉट इज़ लेस देन एफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ देन एफ एफ एक्स नॉट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट
मिनिमम, यानी कि अगर वो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है, बाकी सारा कर्व ऊपर बन रहे हैं, तो वो मिनिमम फंक्शन है। अगर वो बिल्कुल टॉप पे क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है एक्स नॉट का, बाकी सारा फंक्शन नीचे है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन है। तो इसके अलावा मैंने आपको इसकी डिटेल जो है वो बता दी है। अब हम जो है वो एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ द ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ये आपको फंक्शन दिया गया है और आपको इंटरवल में दिया गया है 0, 3। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू इज़ 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो और बट इज़ देयर अ मैक्सिमम, हाँ जी, तो क्या ये मैक्सिमम भी होगा यहाँ पे? भाई यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो सकता। ठीक है, वजह क्या है? देखें, आपने इंटरवल को अगर देखा जाए, ठीक है, अगर आप इंटरवल को यहाँ से गौर से देखें, तो इंटरवल में एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है और एक तरफ जो है वो छोटी ब्रैकेट है। तो इनका क्या फ़र्क होता है, ज़रा इनका भी मतलब देख लीजिएगा। देखें, जिस तरफ आ जाती है ना बड़ी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि उसके साथ जो भी चीज़ है वो भी शामिल है। लेकिन अगर हम 3 की तरफ देखें, ठीक है, तो 3 में जो है वो छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, जिसका मतलब है कि 3 शामिल नहीं है। 3 से छोटे जितने भी अल्फाज हैं वो सारे यहाँ पे शामिल हैं। इधर से 0 शामिल है, बट इधर से 3 शामिल नहीं है। तो मैक्सिमम हम कभी भी नहीं बता सकते इस इंटरवल पे, क्योंकि ये शामिल ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो, बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसने यहाँ पे इंटरवल में, वो वहाँ पे शामिल नहीं है, वो एक्सक्लूड है। ये इंक्लूड पॉइंट नहीं है, ये क्या है? एक्सक्लूड पॉइंट है यहाँ पे। सो नोट दैट यू कैन गेट वेरी क्लोज। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? जब आप उसमें पॉइंट पुट कर रहे हैं तो आंसर 7 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 2x+1 है, 3 पुट करेंगे, 3, 2, 6 और 1, 7, तो आंसर 7 नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 नहीं है। 3 के अप्रोक्सीमेटली करीब 3 नंबर है, वो 3 नहीं है। तो यहाँ पे भी हम भी लिखेंगे कि देन वी गेट जो है वेरी क्लोज टू 7, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी? वेरी क्लोज टू 7। ठीक है, और बट दिस इज लिमिटिंग प्रोसेस होगा, यू कैन ऑलवेज गेट मोर क्लोज टू 7। ठीक है, यहाँ पे उसने वाजे भी कर दिया है कि येट नेवर इक्वल टू 7, कि वो 7 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो उसने क्लियर कर दिया है कि वो येट नेवर इक्वल टू 7, कि वो 7 नहीं होगी, 7 के करीब तरीन होगी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन जो है ऑफ इंटरेस्ट, गिवन अ फंक्शन एफ एफ एक्स डज द मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम बात करें, तो इफ़ एफ एफ एक्स इज़ मिनिमम तो व्हाट इज़ इट? देखें, 0 उसने दिया हुआ है तो वो 0 पे मिनिमम है, और 3 उसमें शामिल नहीं है, तो लिहाजा वो 3 पे शामिल यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ से होते हैं, इसके लिए एक और थ्योरम आ जाता है हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यूड थ्योरम। उसमें उसने कहा है कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ अ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, इसको हम क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ठीक है, और जो छोटी ब्रैकेट होती है इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इसमें उसने कहा है जी कि आपके पास अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो ऑन अ क्लोज इंटरवल ए व बी, तब हम कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। भाई आपको वाजे है, अगर आपके पास इस तरह एक ब्रैकेट थी, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, और दूसरी तरफ 3 के साथ जो है वो ब्रैकेट छोटी थी, तो वहाँ पे मिनिमम तो मौजूद था, लेकिन मैक्सिमम के लिए हमने वाजे पॉइंट दरकार नहीं था वहाँ पे। तो लिहाजा हम यहाँ से क्या सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूस होगी, तो अगर वो क्लोज इंटरवल में है, तो वहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वो बोथ होते हैं। यही हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल, देन एफ हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आइए हम ज़रा उसी एग्जांपल के मुताबिक जो है और किसी चीज़ को भी जो है वो क्लियर करते हैं कि प्रीवियस एग्जांपल के मुताबिक उसने कहा है कि वही सारा फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है क्या है 2x+1, वही फंक्शन है, वाज डिफाइन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 जो है वो क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और 3 जो है वो ओपन इंटरवल में है, ओपन ब्रैकेट में है। तो दिस वन इज़ द कंटिन्यूस फंक्शन एंड इंटरवल बट हैड अ नो मैक्सिमम बिकॉज द इंटरवल वाज नॉट क्लोज। ये देखिए बार बार उसने उसी चीज़ को तज़किरा किया हुआ है।
तो आपको ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि किस तरह से कोई चीज़ जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताई जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने जो है कहा है कि यार अनदर फंक्शन ग्राफ ओवर जो है इंटरवल 1 बाय 3 ऑल्दो द इंटरवल इज़ क्लोज। देखें इसमें और भी चीज़ देखी जाती है। वो कह रहा है कि बेशक इसमें दोनों जो हैं ब्रैकेट जो हैं वो क्लोज इंटरवल हैं बेशक, लेकिन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। वजह क्या है? देखें आपने एक और चीज़ को यहाँ पे देखना होता है कब फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है और कब नहीं हो रहा। तो उसमें ये होता है कि फंक्शन का जो है हमारे पास जो है कि एक पॉइंट ऐसा भी हो जहाँ पे वो अपने आप को चेंज करे, जिसमें उसका क्रिटिकल पॉइंट भी शो हो। अब ये क्रिटिकल पॉइंट को किस तरह से देखना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और थ्योरम आ जाता है हमारे पास, जिसमें आप जो है इस चीज़ को वाजे कर लेंगे कि इफ़ अ फंक्शन एफ हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू, अगर वो कोई फंक्शन हो एक्सट्रीम वैल्यू हो, एक्सट्रीम वैल्यू में क्या हो कि उसका मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ठीक है, ऑन अ ओपन इंटरवल, देन द एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें अगर वो ओपन इंटरवल में हो, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो चीज़ ने अभी रुकी नहीं, वो पता नहीं कहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो वो मतलब कि स्टॉप नहीं हो रही, वो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही बल्कि ओरिजिन से दूर जा रही होती है, तब हम उसे ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है हमने तीन चीज़ों को देखना है, तीन स्टेप आपने दोहराने हैं फंक्शन को ये जानने के लिए, उसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में जानने के लिए। तो आपने सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, उस क्रिटिकल पॉइंट के इर्द गिर्द जो है उसके एंड पॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ डायग्राम से। देखें आपके पास ये वो टर्निंग पॉइंट है, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके सबसे पहले वो कहता है इसका क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड करना है, देन वो कह रहा है कि आपने इसके एंड पॉइंट फाइंड करने हैं, जैसा कि वो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी जो नीचे लिखा हुआ है ना कर्वों में, लेकिन उन दोनों का जो है वो क्या है, एंड पॉइंट है। थर्ड पे वो कह रहा है कि आपने जो नंबर 2 से निकालना है ना, जो लार्जर पॉइंट होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा ए और बी के इंटरवल में, और जो स्मॉल पॉइंट होगा यानी कि जो छोटा पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपने फंक्शंस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये फंक्शन कुछ इस तरह से हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिस पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन रहा, वो अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हम एक एग्जांपल को देखते हैं ताकि हम मज़ीद जो है वो इसको समझ सकें। तो एग्जांपल में उसने कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स, वे आर जो है 2x की 3 जो है 2x की 3 जो है -15x² +36x ऑन अ इंटरवल 1 बाय 5। सिंस एफ इज़ द पॉलिनोमियल इट्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल 1 बाय 5। तो देखें आपने एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आपने सबसे पहले अभी अपने तीन स्टेप देखे थे कि जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है तो आपने सबसे पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, देन आपने उसके मिड पॉइंट निकालने हैं, और देन आपने बताना होता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आइए हम सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, आपके पास जो फंक्शन दिया गया होगा आपने उसका लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने उस चीज़ का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। ये डेरिवेटिव किस तरह से आया है, तो यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो 2x की 3 है ना, तो उसमें x की पावर जो 3 है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और 3 2 6 तो 6x, और पावर कम हो जाएगी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 6x² माइनस जो है 2 मल्टीपल हो जाएगा 15 से 13x, और जो 13x के साथ 36 के साथ x था वो डिफरेंशिएट करने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव का जो आंसर होता है आपने उसको इक्वल टू 0 रखते हुए वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं 6 को पहले डिवाइड करूँ देन उसको फैक्टराइज़ करूँ तो इसके यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो जोड़े जो है बन जाएंगे। तो ये कैसे बने आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप पहले इनमें से 6 को कॉमन भी ले लेंगे तो 6 जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बचना था एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x एंड +6। जब आपने इसको क्या कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपके पास ये बचना था। उसके बाद आपने अगर इसके फैक्टराइज़ करना था तो आपके पास कुछ इस तरह से जोड़े बनेंगे कि आपने कहना था एक्स का स्क्वायर -3x +2x +6, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी,
आप इसमें से एक्स कॉमन ले लेना था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स जब आपने कॉमन लेना था तो एक्स माइनस थ्री, एंड पॉजिटिव को टू कॉमन लेना था तो वो एक्स माइनस थ्री, यानी एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू जो है वो आपके, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, वजह यह है कि हमें माइनस का पाँच एक्स चाहिए था, माइनस थ्री और माइनस पाँच, तो माइनस दो, जब माइनस थ्री और माइनस दो होंगे तभी तो वो माइनस का फाइव एक्स बनना था, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, तभी जो है हमें पॉजिटिव का सिक्स भी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो जाहिर सी बात है हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर वो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें प्लस का सिंबल, वहाँ पर हमें जो है वो प्लस का ही साइन मिलेगा, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर प्लस है तो वो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस थ्री और x माइनस टू जो हैं वो इसके फैक्टराइज करने से जो है वो पेयर बन रहे हैं, तो वहाँ से x इज़ इक्वल टू टू और x इज़ इक्वल टू थ्री जो हैं वो इसके पेयर बन जाते हैं। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब हमने क्या करना होता है, अब आपने इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है आपने करना क्या होता है, तो ये पहले जानना होता है उसके बाद निकालना होता है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आप इस पर ट्राई कीजिएगा। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है यहाँ से आगे, यानी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस सिक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देता हूँ चलें। तो देखें अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी। तो ट्वेल्व एक्स में अगर हमारे पास जो बन रहा है तो 12x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलें कि 12x जो है उसका हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद कि 12x आ रहा है और माइनस का 30 आ रहा है, ठीक है। अब हम जब x इज़ इक्वल टू टू पुट करेंगे, जब x इज़ इक्वल टू मैं टू पुट कर रहा हूँ तो 2 इस 12 से मल्टीपल होगा तो वो बन जाएगा 24, 30 है माइनस का तो वो बन जाएगा माइनस का 6। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकालने के बाद पॉइंट पुट करेंगे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर आ जाए अगर नेगेटिव का, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है उस पॉइंट पर जिसने पुट करने के बाद हमें नेगेटिव का आंसर दिया, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू पर फंक्शन जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और x इज इक्वल टू थ्री की अगर हम बात करें तो 12 तीन 36, 36 में से 30 निकालेंगे तो वहाँ पे वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको दोनों पॉइंट यहाँ से बआसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देन जो है वो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम भी हमने निकाल लिया, एंड पॉइंट वही होते हैं, एंड पॉइंट निकालने के से ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलता है। तो यहाँ पर हम देखें जो है नीचे कुछ टेबल भी नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे उसने बता दिया है, मैंने आपको वैसे बता दिया था, उसने यहाँ पे जो है वो सिंपली बताया हुआ है। तो टेबल की तरफ नज़र दोहराते हैं, यहाँ पे देखें एक तरफ लिमिट लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखा हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूस है होगा, और दूसरी तरफ उसका ग्राफ लिखा हुआ है। तो हम जल्दी से ज़रा ग्राफ की तरफ नज़र मारें अगर, तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास जो है, तो जब भी मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जी। तो हम यहाँ पे जब भी जिस चीज़ को देखेंगे कि जिसमें उसने कहा है कि वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आंसर नेगेटिव पुट करने से भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पुट करने से भी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो जब भी कोई चीज़ इस तरह पॉजिटिव आंसर शो कराए तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में अगर आप पुट करें आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम फंक्शन को मिनिमम बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको मिनिमम बोलते हैं, और अगर नेगेटिव आ जाए पुट करने के बाद तो उसे हम बोलते होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका होता है। तो आप यहाँ से इसकी डायग्राम को भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो मतलब कि उसने ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाना है, अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है तो मतलब ये है कि उसने क्या है, नीचे की तरफ आना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी उसने कुछ ऐसे कहा है, एक तरफ नेगेटिव है मतलब माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स की नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी जा रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है कि वो पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों जो है एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में इस तरह और ये इस तरह, ठीक है। ये आपके पास दूसरे और जो चौथे रबे में चीज़ जा रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक्स जो है वो नेगेटिव के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है एक और उसने नीचे जो है टेबल दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उसने ये कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं,
पॉजिटिव को डिस्कस किया हुआ है, कंक्लूजन के फिर कंटिन्यूस जो है उसमें भी हमारे पास कंटिन्यूस था, ठीक है। इन्फिनिटी के तौर पर इसमें हमारे पास इन्फिनिटी के तौर पर नहीं है बस के, बल्कि इसमें जो है इंटरवल आ जाते हैं, इसमें ए और बी आ जाता है। आप नीचे देख सकते हैं उस डायग्राम में और इस डायग्राम में कि उन डायग्रामों में हमारे पास जो है ए और बी का इंटरवल मौजूद नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ए और बी का इंटरवल मौजूद होगा। बाकी हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से वो इनफिनाइट के लिए था, यहाँ पर उसने इंटरवल दिया हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एफ एनी फंक्शन जो है, उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स का पावर 4 प्लस 2 एक्स की 3 माइनस 1 ऑन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी। देखें आपके पास फंक्शन दिया गया है, आपको पता है आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपके पास क्या आंसर होगा, यहाँ पे एक्स की 4 है तो वो बन जाएगा 4x की 3 एंड 2x की 3 है तो वो बन जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो यहाँ से अपने पहला डेरिवेटिव जो निकालेंगे उस डेरिवेटिव का आपने इक्वल टू 0 रखना है, और इक्वल टू 0 रखने के बाद आपने क्या करना होता है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स जो है एक तो 0 होगा, दूसरा 2x प्लस 3 और उसमें से -3/2, यानी कि एक्स के दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -3/2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने जो है इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना होता है, जब पता चल जाए कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है कितना है। यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहला डेरिवेटिव लेना है, वहाँ से वैल्यू निकालनी है, सेकंड डेरिवेटिव लेके आपने उसमें पुट करके ये चेक करना है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू कौन सी पुट करनी है जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली होगी, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसे हम मैक्सिमम बोलते हैं, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। तो इस तरह जो है हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट निकलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अप्लाइड मैक्सिमम एंड मिनिमम को किस तरह से जो है वो हम अप्लीकेबल करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो आइए अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने कहा है कि फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल विद द पैरामीटर ऑफ 1500 फुट हुज द एरिया इज़ द लार्जर एज पॉसिबल। देखें एक 100 पैरामीटर जो है फुट का हमें जो है वो रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो डिमेंशन फाइंड करनी है एज वेल एज लार्ज एज पॉसिबल जो है उसका एरिया। तो देखें ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन है तो आपने बात जहन में रखनी है कि जिस चीज़ के बारे में मैक्सिमा या मिनिमा बोल दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि हुज एरिया इज़ लार्जर पॉसिबल, लार्जर यानी मैक्सिमम, तो एरिया को हमने क्या करना है, एरिया को हमने एज अ फंक्शन लेना है, एरिया को हमने एज अ फंक्शन लेना है, जो जिस चीज़ पे बात चल गई है वो हमने उसको एज अ फंक्शन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फंक्शन लेंगे तो मतलब क्या होगा, हमने चूँकि जो है उसने हमें सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है ना, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा फार्मूला कि 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो वो बराबर होती है आपके पास पैरामीटर के, और वो यहाँ पे क्या है 100 है, तो 2 डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये हम अगर वहाँ से आंसर निकालें वाई का, तो वाई बन जाएगा 15 - x। तो एरिया चूँकि एज अ फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है, एरिया होता है लेंथ ज़रा विड्थ यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो वाई का आंसर पुट कर देंगे तो मल्टीपल करने से 15x और -x² आ जाता है। फिर वही बात, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, आप देख सकते हैं एरिया का उसने सबसे पहले डेरिवेटिव लेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करेगा, वहाँ से वो पॉइंट निकालेगा, तो आप देख सकते हैं इसने जब क्रिटिकल पॉइंट निकाला है तो उसने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया है 15x में से उसका 15 आ जाता है, -x² में से उसका -2 आ जाता है, यहाँ से जो है x इज इक्वल टू 25 आ रहा है, और यहाँ से हम जानते हैं कि 25 को उसने मैक्सिमम आंसर जो है वो 625 निकाली है एट पॉइंट x+2। यानी कि ये कैसे आया होगा, ये आया होगा कि अगर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद जब आप इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। तो मैं बता भी देता हूँ आपको, चलें कि देखें जब आप इस चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, किस चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप लोग, आप लोगों ने इस चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव लेना है जब, तो आपके पास आंसर मिलेगा -2। तो चूंकि आंसर में जब पुट करें ना करें आंसर नेगेटिव शो हो रहा है, तो फंक्शन तो मैक्सिमम होगा ही, ठीक है, फंक्शन तो मैक्सिमम
होगा ही, क्योंकि हमारे पास आंसर नेगेटिव आ चुका है। अब किस पॉइंट पे है, तो आपने इस आपके पास जो आंसर आया है ना, जिस पॉइंट पे आपने निकालने के बाद चेक करना था 50 25, आपने उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होता है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, 15x - x² तो देन आपको वहाँ से जो है 20 जो है वो 6625 जो है वो मिल जाएगा, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दी उसने कि एन ओपन बॉक्स जो है इज़ द मेड फॉर द 16 इंच एंड 30 इंच, तो प्राइस उसने पीस उसने इसका कार्डबोर्ड का स्क्वायर फुट जो है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कॉर्नर पॉइंट है, बाइंडिंग द साइड्स है, साइड्स को बाइंडिंग अप करना है। बाइंडिंग अप करने का मतलब है कि आपने इसको क्लोज करके जो है बॉक्स बनाने की कोशिश करनी है। तो हु इज़ द हु वुड शुड बी द स्क्वायर टू बी द ऑब्टेन बॉक्स विद द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, तो आपने इसका लार्जेस्ट पॉसिबल पॉसिबल वॉल्यूम निकालना है। तो पॉसिबल वॉल्यूम जो है, चूंकि फंक्शन आप वॉल्यूम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो जब वॉल्यूम पे डिस्कस कर रहा है, आपको पता है वॉल्यूम बराबर किसके होता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, यानी कि तीन चीज़ों का मल्टीपल होता है। अब हमने वो तीन चीज़ें यहाँ से ढूंढनी है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं आपने। वॉल्यूम मैक्सिमम का है तो मतलब आपने वॉल्यूम के लिए तीन चीज़ें ढूंढनी है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, एक उसने 30 का हुआ है, एक उसने 60 का हुआ है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि 16 एक तरफ है और 30 एक तरफ है, बाकी ये जो एक्स एक्स नज़र आ रहे हैं ये फोल्ड होंगे, फोल्ड होके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। एक एक्स इधर से, एक एक्स इधर से 2x, यानी इधर से और इधर से भी 2x। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेंथ होगी, एक तो हमारे पास वो एक्स और एक्स दो एक्स कम होते जाएंगे, 16 में से भी 2x कम होंगे, 30 से भी 2x कम होंगे, तो ये तो दो साइडें होंगी ना आपकी। तो जब आपने जिसको आपने एक्स कहा हुआ है, जिसको आपने हाइट में लेके आना है ऊपर की तरफ, वो आपकी हाइट दी आपके फार्मूले में आ जाता है, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन जब बन जाता है तो आपको नेक्स्ट पता ही है कि क्या प्रोसीजर है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और उसके बाद आपने उसको मैक्सिमम और मिनिमम के लिए बता देना है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। फर्दर अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, यहाँ पर रिलेटेड किसी क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप से आप मज़ीद जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट जो एज़ वेल एज़ पॉसिबल, जितना अच्छे से पॉसिबल हो सका, आपको जो है वो रहनुमाई दी जाएगी। तो ये नंबर आप नोट कर लें अगर आपको प्रॉब्लम हो, 0346-7209-438, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह।